दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे VFS के ऑपरेशंस कब शुरू होंगे, इंटरनेशनल टूरिज्म कब वापसी करेगा और इंटरनेशनल एयरलाइंस कब शुरू होंगी। दोस्तों मैं हूं दीपक कौशिक, आप देखेंगे ट्रैवल पंडित, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को हम तीन पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें पहला होगा कि आखिरकार VFS के ऑपरेशंस कब शुरू होंगे, दूसरा एम्बेसी कब से अपना काम शुरू कर, और तीसरा ओवरऑल इंटरनेशनल टूरिज्म के बारे में कब से इंटरनेशनल टूरिज्म की वापसी होगी। आखिरकार एक अच्छी खबर आ ही गई जब VFS ने अपने कुछ लिमिटेड सर्विसेज शुरू कर दी हैं, जैसे पासबैक की सर्विसेज। दोस्तों पासबैक की सर्विसेज वो होती हैं जब हमारा पासपोर्ट रेडी फॉर कलेक्शन होता है, तो उसी सर्विसेज को पासबैक कहा जाता है। जिन एप्लीकेंट्स ने लॉकडाउन से पहले अपने पासपोर्ट जमा किए थे वेरियस वीजाज के लिए, तो आखिरकार UK, शेंजन स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया और बहुत सी ऐसी कंट्रीज जिन्होंने वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर अपने डिसीजन जो पेंडिंग थे उनको पूरा कर पासपोर्ट वापस देने शुरू कर दिए। VFS के हवाले से अभी ये खबर है कि VFS ने उन तमाम शेंजन कंट्रीज़ के पासपोर्ट देने वापस शुरू कर दिए हैं, जिसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन इत्यादि हैं। उसके साथ ही जापान, साउथ कोरिया और कंट्रीज़ भी हैं जिनके पासपोर्ट वापस आने शुरू हो गए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन VFS की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जिन एप्लीकेंट्स के पासपोर्ट VFS में विभिन्न प्रकार के वीज़ाज के लिए डिपॉजिट हो गए थे VFS में, वो विद प्रायर अपॉइंटमेंट्स अपने पासपोर्ट वापस कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर टू पर, एम्बेसी के ऑपरेशंस के बारे में। एम्बेसीज कुछ दिन पहले ओपन हो गई थी, लेकिन उनमें जो काम हो रहा था, जो पिछले पासपोर्ट सबमिट हो चुके थे वीज़ा डिसीजन को लेकर, तो एम्बेसीज ने अपने डिसीजंस लेकर पासपोर्ट वापस दे दिए हैं, लेकिन नया कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही है। दोस्तों एम्बेसीज जल्दी ही अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो काम शुरू होगा वो होगा वर्क वीज़ाज और स्टूडेंट वीज़ाज को लेकर। करंट सिचुएशंस में आई हुई बीमारी के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तानी और देशों में जाकर काम करते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे लोग यूरोप में आकर काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन में लोगों ने अपने घरों का, अपने गांव का पलायन किया, उसी तरीके से यूरोप व अन्य दुबई या अन्य देशों से जहां लोग काम करने आते थे बाहर से, उन्होंने भी अपने देशों के लिए पलायन किया। तो इस वक्त स्थिति ये हो गई है कि काम करने के लिए लेबर और विभिन्न प्रकार के जॉब्स खाली पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो और देशों की प्राथमिकता होगी वो होगी कि वर्क वीज़ाज को लेकर। सबसे पहले वर्क वीज़ाज अलॉट किए जाएंगे, जिससे लोग उनके देश में आएँ, काम करें और उनकी इकनॉमी को सपोर्ट करें, जिससे काम आगे बढ़ सके और इकनॉमी ठीक हो सके। दूसरी बात हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। वर्क वीज़ाज के बाद नंबर आता है स्टूडेंट वीज़ाज का। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत दिन से वेट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशंस को लेकर, जिनकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी हो गए हैं, फ़ीस भी जमा हो गई है, लेकिन वीज़ा और इंटरव्यूज़ की वजह से उनका वहाँ पर एडमिशन लेट हो रहा है। तो इस वजह से वर्क वीज़ा के बाद जो नंबर आएगा वो स्टूडेंट वीज़ाज का आएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वीज़ाज की टूरिज्म के हवाले से। जिस तरीके से US, स्पेन, इटली और अन्य देशों में बहुत बुरे हालात रहे और वहाँ की टोटल टूरिज्म अफेक्ट हो गया और हर प्रकार की वीज़ा सर्विस को रोक दिया गया, वही सेम स्थिति अब बन गई है इंडिया में, जहाँ दिल्ली में, मुंबई में और स्टेट्स में जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, तमाम बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली और मुंबई में स्थित हैं, वहाँ पर ये बीमारी चरम सीमा पर है। नंबर ऑफ पेशेंट्स हर रोज़ रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी ट्रैवल टूरिज्म वीज़ाज को लेकर ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है कोई और देश इंडिया से किसी नॉर्मल टूरिज्म को एक्सेप्ट करेगा, जब तक ये स्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाएं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ये हर तरीके से अपने प्रयास कर रही है कि वीज़ाज ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू किए जाएं। इंडिया के एविएशन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार उन्होंने ये साफ बताया है कि जब तक इंडिया का डोमेस्टिक एयर ट्रैवल 50-60% पर नॉर्मली शुरू नहीं हो जाता, जब तक इंटरनेशनल ट्रैवल की बात को करना उचित नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ये हर हालत में चाहती है कि इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू हो और जो हिंदुस्तानी वंदे भारत फ्लाइट्स के थ्रू इंडिया में वापस आए थे वो सकुशल अपने काम पर वापस जा सकें, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा पैसा रेमिटेंस के थ्रू जो लोग बाहर कमाते हैं वो इंडिया में आता है, जिससे इंडिया की इकोनॉमी और अच्छी आगे बढ़ती है। क्योंकि ये बीमारी इंडिया में और देशों से लगभग 2 महीना बाद आई है,
इसीलिए स्पेन में अब काफी अच्छे हालात हैं और ठीक उसी तरीके से इंडिया में इस बीमारी का प्रकोप ठीक होने में लगभग 2 से 3 महीने और लग सकते हैं। तो जहां तक जो मेरा अनुमान है, अगस्त से पहले किसी भी हालत में VFS की वीजा ऑपरेशंस शुरू होने में अभी संदेह। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन आगे मिल पाए। तो चलिए, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।